इकरार अहमद। क्या मामला है, आगे जेल पर बात करें। ये करुआ साहिबगंज का मामला कोटे के संबंध में, लगभग इसका कोटा 2018 में नष्ट हो चुका, हाई कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय ने नष्ट कर दिया। ये अपील में गया था, एसडीएम साहब ने जांच की थी 4/11/2019 को, तो उसने नष्ट कर दिया था एसडीएम साहब ने। तो ये हाई कोर्ट गया था, उसे स्टे मिल गया था। अब स्टे पे इसकी सुनवाई 20/11/2018 को इसकी सुनवाई, तो उसमें वहाँ पे डिस्पैच कर दिया गया, वैकेट कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। तो अभी भी ये कोटेदार चला रहा है, ये पूरा विभाग मिला हुआ है, इसमें सप्लाई इंस्पेक्टर राजीव श्रीवास्तव है, वो इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा 50-50 का मेरा वो है। ये 2018 तब तक चल ही रहा लगातार, शिकायतें भी कर रहे हैं, हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे, ये कूड़ेदान में डाल रहे हैं। बोले हाई कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट कोई देखने से नहीं आ रहा, आदेश ही करता है। यहाँ पे डीएम साहब से करीब पहले भी कर चुके हैं, सबसे शिकायतें कर रहे हैं लगातार, कोई सुनने को जिला पूर्ति अधिकारी वो भी नहीं सुनते, कह रहे हैं देख लेंगे करा देंगे। सारा विभाग मिला हुआ कराएगा क्या, आज जिलाधिकारी महोदय से किए तो उन्हें एसडीएम साहब के लिए लिख दिया, वहाँ भी कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आदेश होते हैं, कुछ होने वाला है, कुछ न्यायालय का आदेश नहीं मानने हैं। कोटा नेक्स्ट हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हाई कोर्ट ने वैकेट कर दिया, तब भी कोटा चल रहा है। ये राजीव जी जलील अहमद वही व्यक्ति ही चला रहा अब तक, पूरा फ्रॉड करके काफी इसने घोटाला किया। ये ग्राम पंचायत करुआ साहिबगंज विकासखंड भतपुरा थाना कुल्लिया तहसील नवा जिला बरेली का मामला है।